आई अध्याय 12 घात और घातांक के अंतर्गत संख्याओं का मानक रूप, यानी संख्याओं को मानक रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। अब निम्नलिखित संख्या, ये जो संख्याएं दी है, जैसे यहाँ पर एक संख्या दी है 0.00005604, यानी कितने शून्य हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य है। फिर उसके बाद 1, 2, 3 अंक लिखे, तो कुल मिला के शून्य के बाद कितने अंक हैं वो गिन लेने हैं। तो शून्य के बाद हो गए, दशमलव के बाद 3 और 3, 6, 3, 9 अंक हैं। तो अब इसको जो है मानक रूप में लिखने का क्या तरीका होता है, तो सबसे पहले दशमलव हटाना है और इस संख्या को पहले जितना अंक दिया है उसको लिख लिया जाता है 5, 564, और जहाँ दशमलव होता है वहां पर 1 लगाते हैं और बाकी जितने अंक हैं उतना शून्य लगा देते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, 3, 6, 3, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिख दिया जाता है। यानी एक की दशमलव को जब ये हटाते हैं तो दशमलव की जगह 1 लगा दिया जाता है। फिर यहां से यहां तक जितने अंक हैं उनको गिन लिया जाता है, उतने ही शून्य लगा देते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं। अब आगे क्या करना पड़ता है, अब ये जो है 564 है इसको ऐसे ही रखने देते हैं। इसको जो है घातांक के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने शून्य हैं उतने ही अंक ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं। यानी कुल मिला के 9 शून्य थे तो हम इसको 10^9 लिख देते हैं। अब इसको अभी मानक रूप में नहीं हुआ, अब इसको भी थोड़ा सा जब, चूंकि मानक रूप में बनाने के लिए हमको ये जो ऊपर के अंक होते हैं उसमें से केवल 1 दशमलव लिया जाता है। अब 1 दशमलव लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये 10^9 तो अभी लिख लीजिए, ये इसको ऊपर इसको बदलना पड़ता, तो ये 5.64 के लिखा जाता है। इसको जितने भी अंक लगाए हैं फिर वही जैसे यहाँ पर भाग दिया था, तो यहाँ पर चूंकि ये दशमलव हम जानबूझ कर लगा रहे हैं तो हमें इसको हटाने के लिए इसको उतने ही दशमलव की जगह 1 लगा के जितने अंक होते हैं उतने का शून्य लगा देना पड़ता है। यानी दशमलव की जगह 1 लगाया तो कितने अंक है, इधर 1, 2, तो इधर हम पर 2 शून्य लगा दिए जैसे। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिख लेंगे 5.64×10^2 लिख सकते हैं, और इधर लिख लेते हैं 10^9। अब ये तो घातांकों के नियमों का यहां पर इस्तेमाल कर दीजिए, ये कैसे हो जाएगा, ये आगे जब बढ़ाएंगे तो ये बन गया 5.64×10^2 तो पहले से है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10^ ऊपर जाके बन जाएगा 9। इसका मतलब ये हो गया कि 5.64×10^2 और 9, इसमें सूत्र लग गया, कौन सा लग गया, 1 इसमें कौन सा सूत्र लगा, 1m×1n है, तो इसका मतलब हो जाता है 1m(n), क्योंकि यहाँ पर ऋण लगा हुआ था तो ये ऋण के साथ आ गया। बस इसको हल कर दीजिए और इसका काम खत्म हो गया। 5.64×10^9 ये 9 में से 2 गया 7, ये ऋण के, तो ये कहलाता है इसका मानक रूप, ये इसका मानक रूप हुआ। ठीक है, उसको भी ले लेते हैं। इसको लेते हैं तो इसमें देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर 7 अंक हैं कुल, तो हम इसको लिखेंगे 21/1 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 5, 2, 7 इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको बदल देना है, इसको बदल देते हैं तो 21/10^7 में बदल गया। अब फिर और आगे लीजिए इसी को, इसको हमको देखिए यहां पर कितने दशम, पहले अंक के बाद दशमलव लगाना होता है,
तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.1 × 10^1। जैसे हम पहले पढ़ चुके थे, अगर कोई संख्या नहीं है घात में तो उसको घात मत एक लिख दिया जाता है। और नीचे है 10^7। अब आगे देखिए, इसको ऊपर ले जाइए तो ये बन गया 2.1 × 10^1 × 10^1। ये ऊपर जाके ऋण में बदल जाता है। अब 2.1 × 10^ घटा दीजिए, इसको घाते घाते जुड़ घट जाएंगी तो 10^6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहलाता है मानक रूप। लेते हैं एक आध और सवाल। अब ये दो संख्याएं और लेते हैं, एक है कि 216, फिर उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5 शून्य है। इसको बाद में लेते हैं, पहले इसको लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो जो सबसे पहले जैसे अभी अभी हम लोगों ने किया था, इसको क्या करेंगे, ये 216 जो अंक है उसको बना लीजिए 216। और जितने अंक वाले होते हैं उसको हमने लिखने का क्या तरीका अपनाया था कि उसको गुणा कर दी 1, 2, 3, 4, 5 में, यही तो है। इसको बना के 1 × 5 अंक बनाते हैं। अब इसको कैसे लिख लेते हैं, 216 को कैसे लिखेंगे, 216 को हमको लिखना है 2.16, क्योंकि दशमलव लगा के इसको जबरदस्ती बनाया है, तो इसको हटाने के लिए हमको जितने अंकों का हमने इस्तेमाल किया है दशमलव के बाद के उतने का ही गुणा कर देते हैं। और ये जो है हमारे पास कितना था पहले से, इतने हैं 1, 2, 3, 4, 5 अंक। अब इनको बदल लीजिए उसमें घातांकों में, तो ये हमारा मानक रूप में निकल आएगा। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 10^2। इसको किस तरह लिख सकते हैं, 10^5। अब आधार दोनों को वही लगा दीजिए, 2.16 × 10^2 − 5। आधार एक जैसे हैं तो घाते जुड़ जाते हैं। अब ये बन गया 2.16 × 10^5 − 2 = 7। ये हमारा इसका मानक रूप हो जाता है। इस तरह इसको ले लेते हैं। तो अंकों को अलग कर लीजिए, 1524 में कितने 4 अंक वाला है, तो 1 के आगे 1, 2, 3, 4 शून्य हो जाते हैं। फिर क्या दूसरा दूसरा कदम क्या होता है, 1 अंक के बाद दशमलव लगाना होता है। 1 अंक के बाद 5, 2, 4 ये दशमलव लगाया, लेकिन कितने अंक लिए हमने, 1, 2, 3। तो यहां पर भी हमको 1 के बाद 1, 2, 3 इतने का गुणा करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा। और ये पहले से है तो 1 के आगे 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, 1.524 इसको घातांकों में बदल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10^3, और ये है 10^7। फिर वही सूत्र, आधार समान, 1.524 × 10^, आधार समान तो घाते जुड़ जाती हैं, तो 3 × 7, 3 × 7 लिख रहे हैं हम, 4 है ये, 3 × 4। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1.524 × 10^4, 3, 7। ये हमारा मानक रूप बन गया। लेते हैं अगला। अब इनको लेते हैं, निम्नलिखित तथ्यों को मानक रूप में लिखिए। ये तथ्य दिए गए हैं और इनको मानक रूप में लिखना है। अभी जो हमने प्रैक्टिस की है इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी दी गई है 149, फिर 600, 600 के आगे 3, 3, 6 शून्य, और अर्थात कुल कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 अंकों में दिया हुआ है। तो जब ऐसे अंक आ जाते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये करना है कि जैसे ये जितने भी अंक हैं उसमें केवल एक अंक को लीजिए पहले वाले को, और 4, 9, 6 ये लिख लीजिए। और कुल कितने अंक थे, कुल कितने अंक थे, 12। 12 में आपने एक अंक इधर छोड़ लिया है, बाकी इधर बचे हैं 11, तो आपको 10^11, क्योंकि ये ऊपर नीचे कहीं गया नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे 10^11।
ये उसका मानक रूप हो गया। बस समझ में, क्यों? क्योंकि एक अंक इधर लगाया, बाकी 11 इधर है, तो ये हो जाएंगे हमारे इस तरह का मानक रूप। अब इसमें देखिए कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9 अंक हैं। किसका देख पूछ रहा है, प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, तो हमें क्या उठाना है, कितने अंक है, 9 अंक है। अब हम एक अंक छोड़ रहे हैं, ये दीजिए एक अंक छोड़ दिया, तो 3, 10, 3 गुणे एक अंक ले लिया। अब कितने बचेंगे, 8 अंक इधर बच गए हैं, तो हम लिख देंगे 10^8 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या था, मीटर, तो ये मीटर पैमाना लगा देना, बहुत आसान है, समझने भर की देर है। इसमें देखिए, बी कक्षा 7 की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 mm, इसका मतलब क्या हो गया, 20 mm का मतलब क्या हो गया, देखिए एक ही अंक हटाना है हमें, कुल 2 अंक है, तो ये एक इधर ले लिया। अब इधर बचता क्या है, 10, अब जब कोई चीज नहीं रहता तो उसकी घात 1 लगा देते हैं, बाकी mm, बहुत आसान है ये, इस तरह इसका मानक रूप हो जाता है। इसको देखिए, ये दशमलव के बाद की है, तो कुल कितने अंक है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत व्यास देखिए कितना दिखा रहेगा, दशमलव के बाद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो हम क्या लिख देंगे, ये 7 हटाना है, मतलब 7 को रखना है, और कुल कितने अंक है, 1 की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 की घात कितने, 1 इधर का भी हो जाएगा, 1 छोड़ लिया इधर और 6 इधर है, तो कितने हो जा रहे हैं हमारे पास, ये हो जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इधर लगा दिए 6, लेकिन कौन से, ऋण के, बात समझ रहे हैं ना, एक अंक बचा लिया है, और कुल कितने अंक हो रहे थे, 3, 3, 6, तो 10 की खाते ऋण 6। इसमें देखिए, मनुष्य के बाल की मोटाई की परास, मनुष्य के बाल की मोटाई कितनी है, 0.005, 0.005 का मतलब कितने अंक है, दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक है, तो हम लिखेंगे ये mm था, इसको mm लिख दीजिए, तो ये 5 यानी 5 गुणे, यानी ये वाला बचाना है, कितने अंक थे, 1, 2, 3, तो 10 की घाते 3 काहे का ऋण, क्योंकि दशमलव के बाद वाले में ऋण लगाते हैं, और जिसमें दशमलव नहीं रहता उसमें धन का चिन्ह रहता है। सेंटीमीटर से, अब इसमें देखिए ऊपर कितने हैं, 1, 1 बचा लीजिए, और करना किसका है, दशमलव के बाद 1, 2, दशमलव के बाद 2, मतलब ये ऋण के 2, ये सेंटीमीटर, ये बाल की मोटाई हो जाएगी। इस तरह हमारे को मानक रूप में लिखते हैं। लेते हैं कुछ एक और, अब इनको लेते हैं इसके आगे, कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 384, 467 और 300 और इतने मीटर है, तो कितने अंक हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, तो ये तो सीधा सीधा है, तो हमें कितने लेने हैं, पहला अंक के बाद दशमलव के लगा, पहले अंक के बाद दशमलव लगाना है, और जितने अंक हैं उतने लिख लेने हैं, 4 और 4, 6, 7। अब कुल कितने थे, 9, 9 में से 1 इधर बचा लिया, तो ये हो जाएगा 10^8 मीटर, ये इसका मानक रूप हो जाता है। पौधों की कोशिकाओं का आकार 4 0 है दशमलव के बाद, और फिर 12 75 लिखा हुआ है, तो इसको करने का क्या तरीका होता है, तो हमको 12 75 पहले तो इधर उतार लेने, और नीचे दशमलव के बाद कुल कितने अंक हो जाते हैं, तो 4, 4, 8, तो ये लिख लेते हैं 10^8, ठीक है, क्यों, क्योंकि दशमलव हटा दिया है। अब इसको आगे बदलने का क्या तरीका होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1.275 में 10^3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, और इस वाले को अभी पहले यहाँ लिख लीजिए 10^8, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये बन जाएगा, ऊपर जाके घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.275 में 3 इधर और 8 इधर, ये जाके बन जाएंगे 10^5, क्योंकि 8 में से 3 चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा ऐसा, क्यों, अब जगह नहीं पूछ रही है, तो हम इसलिए 3 में से 8 यहीं घटा के लिखे दे रहे हैं, ये इस तरह इसका मानक रूप होता है। तो सूर्य की औसत त्रिज्या, त्रिज्या देखिए इसमें कितने अंक है, 3, 3, 6, तो हमें क्या करना पड़ता था,
पहला अंक लेते थे और दशमलव लगा लेते थे, बाकी क्या करना पड़ता था, जितने अंक बचते थे यानी कितने छह थे, छह में से अब बचे पांच, तो ये पांच किलोमीटर, ये काहे में था मीटर में था, ये ऐसे लगा देते हैं, इसका मानक रूप हो गया, यानी कि ये इनके मानक रूप हैं जो हम बना रहे हैं। अंतरिक्ष शटल का द्रव्यमान इतना है, किलोग्राम में दिया है, तो कितने अंक है, तीन दो पांच एक छह, तो हमें क्या लिखना है, इतने अंक लेने हैं, 5.036, ये तो लिखना है, और कुल कितने बचे थे, एक दशमलव बचा लिए थे, दो और तीन पांच, यानी कि 10^5, बस इतना ही मानक रूप में परिवर्तन होता है। और यहाँ पर केजी, इसमें एक कागज की मोटाई देखिए क्या करना पड़ा इसको, जैसे अभी हल किया थोड़ा सा, इसको थोड़ा समझ लिया करिए, 16/10^4, ये तो बदल गया, अब 16 को बदल देते हैं 1.6×10^1 में, क्यों, क्योंकि दशमलव हम एडजस्ट कर रहे हैं, और 10^4, अब ये जैसे ऊपर सीधे नहीं लिखा था, यहाँ पर हम थोड़ा सा हल कर देते हैं आपके लिए, तो ये बन जाएगा 1.6×10^1, और ये ऊपर जाके ये 4 घट जाएगा, तो इसका मतलब ये बन गया 1.6×10^-3, काहे में है ये सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर में, ये हमारा मानक रूप हो जाता है। अब ये 11वां है, इसी में कंप्यूटर चिप के एक तार का व्यास 0.123456 और ये 6वां, 6 अंक के बाद, 5 अंक के बाद 3 है, यानी कुल 6 अंक है, 3 इतने मीटर में दिया है, तो इसको बदलने का क्या तरीका है, हमको लिखना है 3 और कुल अंक थे कितने, दशमलव के बाद 6, तो 10^6, अब क्या करना है, इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाने में क्या हो जाएगा, 3×10^-6, और ये काहे में है मीटर में, ये जो कि ऊपर जाके ऋण में बदल गया। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या तरीका है, कि कुल कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, और हमको एक ही दशमलव लेना है, दशमलव के बाद 8 4 8 ये लगाना है। अब दशमलव लगा दिया तो एडजस्ट कहाँ से होगा, दशमलव के बाद कितने अंक एडजस्ट किए थे, 3, तो 1000 का गुणा कर दीजिए, या ऐसा लिख लीजिए 8848 में 10^3 का गुणा कर दीजिए, बस ये मीटर हो गया, ये इसके मानक रूप हो जाते हैं। लेते हैं कुछ अगला,